एक बार फिर भंसाली के साथ काम करेंगी दीपिका, छपाक के बाद इस फिल्म में आएंगी नजर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली एक ऐसे फिल्म मेकर है जिनकी फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर आती है तो तहलका ही मचाती है। वो भंसाली के कुछ फिल्मों में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की ही जोड़ी नजर आई है। हालांकि जल्द ही जोड़ी कब दिखेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इन दिनों भंसाली की सहरी लुधियानवी और अमृता प्रीतम की बायोपिक को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। बीते दिनों ही खबर आई थी कि फिल्म में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन नजर आएंगे, लेकिन फिर कहा गया कि ऐश्वर्या को फिल्म में तापसी पुनो ने रिप्लेस कर दिया है। अब खबर आ रही है कि तापसी भी इस फिल्म में नहीं है। तापसी के बाद फिल्म के लिए दीपिका का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से भंसाली दीपिका के साथ इस फिल्म में काम कर सकते हैं। फिल्म को लेकर एक और खबर आई है, वो ये है कि फिल्म में काम करने के लिए दीपिका ने एक शर्त रख दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका की वो शर्त यह है कि फिल्म का नाम शहरी लुधियानवी से बदलकर शाहिर और अमृता के नाम रखा जाए। रिपोर्ट में तो ये कहा गया है कि भंसाली ने भी इस शर्त को मान लिया है। अगर सब ठीक रहता है तो छपाक के बाद दीपिका इस फिल्म में काम करने जा रही है। हालांकि अभी इस सब पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। इस फिल्म में दीपिका के अपोजिट अभिषेक बच्चन नजर आएंगे। अगर दीपिका ये फिल्म भी भंसाली के साथ करती है तो ये उनकी भंसाली के साथ चौथी फिल्म होगी। इससे पहले दीपिका भंसाली के साथ रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में साथ काम कर चुकी है। फिल्म के लिए अभिषेक का नाम काफी पहले से ही तय है। दीपिका नाम इसलिए इसी फिल्म के काफी पहले से भी आया था, अब फिर आया रहा है। फिल्म की कहानी कवि लेखक शाहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम के कहानी पर बेस्ड होगी। देखते हैं कि आखिर क्या होता है। दीपिका जल्द ही मेघना गुलजार के साथ एसिड अटैक पीड़ित लक्ष्मी अग्रवाल की बायोपिक फिल्म में छपाक में नजर आएंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।